नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज। मीडिया के माध्यम से हम विभिन्न पर्सनालिटीज के इंटरव्यूज आपको दिखाते रहते हैं। सौभाग्यवंश आज हमारे बीच हैं कांग्रेस के युवा के प्रधान हिसार जिला के आनंद जाखड़ जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सीधे ही इनसे बात करते हैं और इनसे तारुफ मैंने इनका कराया है। जाखड़ साहब, आज हमारे चैनल पर आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार बंसल जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीधी सीधी बात करता हूं, पहली मर्तबा स्टेट के अंदर नगर निकायों के, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के, नगर निगम के पहले हो चुके हैं, चेयरमैन के सीधे चुनाव होने हैं, और 3 महीने पहले चेयरमैनों का आरक्षण का रिजर्वेशन का ड्रा निकला, वो कैंसिल हुआ, 22 सितंबर को होना था, अब फिर कैंसिल हो गया। क्या वजह हो सकती है इसकी, सरकार की क्या मंशा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार हरियाणा में सरकार चला रही है, और भारतीय जनता पार्टी अनेक लुभावने वादे करके सत्ता में आई थी, लेकिन किसी भी वादे पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। आज जमीनी हकीकत यह है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है, वो चुनाव से बचना चाहते हैं, कभी वो न्यायपालिका का सहारा ले बार बार ड्रा करांगे, क्योंकि जैसे ही चुनाव होंगे, और जहां तक बीजेपी ने ये कहा है कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे, तो उनका कोई भी चेयरमैन जीतने वाला नहीं है, ऐसे में वो चुनाव से बचना चाहती है और इस चुनाव को आगे विड्रॉ करती जा रही है। क्या चुनाव आयोग क्या प्रिटेंड लेता है कि क्या प्ली लेता है कि इसको आगे के आगे आगे एक्सटेंड किए जा रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई मुद्दा बनाकर, अभी न्यायपालिका में पंचायत चुनाव को लेकर पिटीशन डली हुई है, नगर पालिकाओं 11 अक्टूबर की अब सुनवाई है, और कुछ नई पालिकाएं इन्होंने बनाई है, जैसे कि बास, आदमपुर और सिसाए, ऐसे में उनका काम पूरा नहीं हुआ और इन्होंने चुनाव पहले से रख दिए थे। अब इनके पास ये बहाना है कि हमारी जो वहाँ वार्ड बंदी है, जो वोटर लिस्ट वगैरह है, वो पूरी नहीं हुई, इसलिए हम चुनाव कराने में असमर्थ हैं। क्या कांग्रेस बिल्कुल तैयार है सिंबल पर लड़ने के लिए? बिल्कुल, कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, ये फैसला तो कांग्रेस हाईकमान करेगी, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता हर चुनाव के लिए तैयार है। आरोप लगता है बीजेपी की तरफ से कि आप नौटंकी करते हैं और रोजगार के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे पकोड़े तलते हैं, ये क्या आरोप है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आपने पिछले दिनों हिसार में पकोड़े तले जी, हमें तो नहीं, हमें जिला मुख्यालय पर पकोड़े तले थे, हांसी में नहीं तले, अगर आप वहां पहुंचते तो आपको भी पकोड़े जरूर खिलाते बंसल जी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो लोग बेरोजगार हैं वो पकोड़े तल के भी अपना रोजगार पा सकते हैं। हमने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पकोड़े तलकर उन्हें ये संदेश दिया था कि आज पकोड़े तलने का जो नुस्खा आपने हमें बताया था, मतलब कि बेरोजगार साथियों को, वो भी अब रोजगार के लायक नहीं रहा, क्योंकि महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, और आज तेल के भाव, सिलेंडर के भाव आसमान छू रहे हैं, तो बेरोजगार लोगों के लिए पकोड़े तलने का रोजगार भी अब हाथ से फिसल चुका है। मैं एक प्रश्न आपसे लास्ट प्रश्न पूछ रहा हूं कि पिछले कार्यकाल में चुनाव, उसके बाद शहर में बहुत पैसा आया, और अब इस पूर्व की नगर परिषद को कितने नंबर देते हैं शहर में? वो कहते हैं कि 134 करोड़ आया, और आम जनता कहती है कि 220 करोड़ रुपया लग चुका है। देखिए, शहर की दशा किसी से छुपी नहीं है, आवारा पशुओं की भरमार है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज और नालियां ब्लॉकेज हैं, और नगर परिषद कुछ नहीं कर रही है। नगर परिषद को अभी समय, कार्यकाल पूरा हुए कुछ ही समय हुआ है, और चुनाव को 2 साल हो गए करीब, सरकार को इस सितंबर अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे। तो विनोद भ्याणा जी जिस तरीके से वादे करके आए थे कि मैं हांसी की दिशा बदल दूंगा, दशा बदल दूंगा, मैं समझता हूं कि विनोद भ्याणा जी सिर्फ दल बदलने में माहिर हैं, हांसी की हालात बदलने में माहिर नहीं है। मैंने तो विनोद भ्याणा जी पे ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन मैं शहर के बारे में बताता हूँ कि पिछले योजना के नगर परिषद, शहर की किसकी जिम्मेदारी है जी, नगर पालिका और विधायक की जिम्मेदारी है। चलो, धन्यवाद साहब, फिर मिलते हैं।